शुगर, इसे खाने से आपकी डेथ भी हो सकती है। आपको चाहे जितना पसंद हो यम्मी पुडिंग्स, हॉट कैपेचिनोस या फिर सॉफ्ट गुलाब जामुन या फिर और भी कोई जंक फूड खाना, बट ये खाने से आपकी बॉडी को ये सब कितना हार्मफुल है, ये क्या आप जानते हैं? सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस का, और वो है शुगर। और इसको इनटेक करने से आपको डायबिटीज और तो और डिप्रेशन भी हो सकता है। आपने सही सुना, यस, शुगर और डिप्रेशन का डायरेक्ट कनेक्शन है, स्पेशली जब आपका ब्लड शुगर लो और हाई होता है तब। पर दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आज का गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज हम बताएंगे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स अगर आपने शुगर क्विट किए तो, और ये आपको कैसे बेनिफिट करेंगे। योर ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल विल नॉर्मलाइज। अगर आप शुगर इंटेक करते रहेंगे तो आपका बीपी लो कभी भी नहीं होगा, तो शुगर क्विट करके जरूर देखें। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स वोंट ब्रिंग यू डाउन। अगर आपको मेंस्ट्रुअल रिकरिंग प्रॉब्लम्स है तो शायद शुगर कम करने से इन्फ्लेशन को टेम कर सकते हैं। शुगर कट करने से पेन प्रोड्यूसिंग क्रैम्प इंड्यूसिंग सिम्टम्स भी कम होते हैं। यू आर बाउंड टू शेड सम वेट। अगर आप शुगर कट करेंगे तो ये तो ऑब्वियस है कि आपका वेट भी कम होगा, क्योंकि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम दिन भर में कितनी शुगर इंटेक कर लेते हैं। इट्स लाइक द इंश्योरेंस टू योर ब्रेन। शुगर को आपकी डाइट में से कट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बट अगर आप मैनेज करेंगे तो वो सबसे बेस्ट हो सकता है आपके ब्रेन के लिए, क्योंकि इससे आपको कभी अल्जाइमर नहीं होगा। Those headaches will be gone. अगर आपको बैड या फिर सीवियर हेडेक होता रहता है और ऐसी फीलिंग आती है कि आप शायद कोई रोलर कोस्टर पे बैठे हैं, तो उसका मेन कल्प्रिट है ब्लड शुगर लेवल, जो कि लो हो जाता है। शुगर सिर्फ हेडेक को ट्रिगर नहीं करता, बट वो आपके बॉडी में पेन भी इंक्रीज करता है। तो रिड्यूसिंग या एलिमिनेटिंग शुगर इंटेक का मतलब है कि आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अपने डाइट में शुगर को मैनेज करना सीख लिया तो डेफिनेटली आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो शुगर के रिलेटेड अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ टिप्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।